झांसी के जाबाज सैनिकों, इतिहास में विरले ही कभी किसी राष्ट्र को इस तरह की विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा। आज जब समूचा हिंदुस्तान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए कमर कस रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ओरछा की अहंकारी महारानी ने हमारी पीठ में विश्वासघाती खंजर पेवस्त कर दिया है। उसने अपने छल कपट से हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को बंदी बना लिया है। आज मां धरती और महारानी लक्ष्मीबाई के ऋण चुकाने का दिन है। हम ओरछा की महारानी का अभिमान चूर चूर कर देंगे। आदेश दीजिए सेनापति जी, हम तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। अरे सरकार, आपने तो हमें डराई दिया था। क्या खबर लाया हो? हुजूर, आपके दिए हुए संदेश से तो पूरी झांसी में खलबली मच गई है। झांसी के सेनापति ओरछा से युद्ध करने का निर्णय ले चुके हैं। Very nice. Exactly what I wanted. It's all according to our plan. ये क्या युवराज, आप रो रहे हैं? झांसी के होने वाले नरेश की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। हमारे अदब कहाँ है? चिंता मत कीजिए युवराज, हम उन्हें लेने जा रहे हैं। सब कहते हैं वो, उनको कुछ नहीं हुआ है। आपकी आई साहब को कुछ नहीं हुआ है, उन पर कोई संकट आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपकी आई साहब स्वयं एक संकट मोचन है। अति शीघ्र लेकर आएंगे हम उन्हें। वैसे भी युवराज, बहुत दिनों बाद तात्या को आपके नमक का ऋण चुकाने का मौका मिला है। और युवराज, इन आंसुओं को पहुंच दीजिए। आप एक ऐसी वीरांगना के पुत्र हैं जो स्वयं नहीं रोती बल्कि अपने शत्रुओं को रुलाती है। भविष्य में आपको भी उनके जैसा ही योद्धा बनना है। और युवराज, योद्धा वो होता है जो अपनी धरती मां की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। मैं भी लड़ूंगा। चलिए, मैं भी आपके साथ आईसा को लेने चलूंगा। ये हुई ना बात, आप सचमुच एक वीरांगना के पुत्र हैं। किंतु क्षमा कीजिएगा युवराज, हम आपको अपने साथ रणभूमि में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? वो इसलिए युवराज कि यहां झांसी में एक योद्धा का रहना भी आवश्यक है। जब तक हम वापस लौट के नहीं आ जाते, आपकी झांसी की सुरक्षा का भार इस योद्धा के कंधों पर है। और हां, हम आपकी आई साहेब को लेकर ही लौटेंगे। ठीक है, आप जाए तात्या गुरु, मैं अपनी झांसी की सुरक्षा करूंगा। नहीं, मुझे कतई यकीन नहीं है। हमारी मोहतरमा महारानी लड़ाई सरकार
इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। इसमें जरूर कोई साजिश है, वरना अपने मुंह बोले भाई और सिपह सालार नथे खां को छोड़कर वो जा ही नहीं सकती। दूसरी अहम बात ये है कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ना सिर्फ बेपनाह बहादुर है बल्कि उनके दिमाग में एक साथ सैकड़ों मंसूबे चलते रहते हैं। हमें अपने आपा के इस नादान फैसले पर यकीन नहीं हो रहा है। You're absolutely right, Commander Nathikan. फिन का आपको रिटर्न आने का वेट करना चाहिए, फिर दतिया के गेम में जाना चाहिए था। अब तक प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेनापति जी, अभी भी संदेश आया है कि हमारी महारानी लड़ाई सरकार की जान खतरे में है। संभवतः शत्रुओं ने उनका अपहरण कर लिया है। वो दतिया में हो रहे ध्वज खेल के मध्य कहीं गायब हो गई है। ऐसा आभास होता है कि महारानी लड़ाई सरकार को बुलाने के लिए ओरछा के शत्रुओं का ही षड्यंत्र था। देखा कमांडर ऑफ ओरछा, जिस चीज का डर था वही हुआ, इसीलिए मैंने उन्हें अकेले जाने से मना किया था। जरूर इसमें किंग ऑफ दतिया का हाथ है, वो क्वीन ऑफ झांसी से मिल गया है। आपको क्वीन ऑफ ओरछा का बचाने दतिया जरूर जाना चाहिए। झांसी की रानी बहुत क्लेवर वुमेन है। शीघ्र सेना को आदेश दो, दतिया कूच करने की तैयारी करें। या अल्लाह, हमारी मल्लिका लड़ाई सरकार को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखना। न जाने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई क्या मंसूबा बना रही है। हे देवा, ये तो महारानी सरकार का घोड़ा है, परंतु वो कहाँ है? देवा, महारानी साहब आप धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। की तरफ कूच करो। थैंक गॉड, हमारे प्लान का दूसरा पार्ट भी सक्सेसफुली पूरा हुआ है। फतेह खान अपनी आर्मी लेके दतिया की तरफ कूच कर चुका है। ओरछा में अब कोई आर्मी नहीं, अब हम झांसी की आर्मी यहां पहुंचने का वेट करेंगे। महारानी साहब, सिर्फ ये हाथ छोड़ दीजिए। नहीं लक्ष्मी भाई, इस ध्वज ने हमारी
पूर्वजों की जान ही नहीं ली, हमसे हमारी झांसी छीनी है। इस डर से केवल आपकी जान बचाने की चेष्टा है हमारी, कृपया से पकड़ कर ऊपर आ जाइए अन्यथा आप नीचे गिर जाएंगी। देखिए हमारी बात मान लीजिए, हम जानते हैं आप एक महान योद्धा हैं, और इस समय हमारे देश को आप जैसी महान योद्धा की आवश्यकता है। कृपया फिरंगियों के बहकावे में मत आइए, आपकी मृत्यु से केवल उनको फायदा है, हमें नहीं। आप नहीं जानते, या आपसे आपकी ओरछा भी छीन लेंगे। इसे पकड़िए और ऊपर आ जाइए। वाल्कर वंश कभी विश्वास के योग्य था ही नहीं। तुम हमें नीचे से ऊपर खींच कर उपकार का ऋण डालना चाहती थी हम पर, हम ऋण देते हैं लेते नहीं। क्या कहा था हमने, खेल के अंत में क्रीड़ा स्थल पे ओरछा का ध्वज लहराएगा, परंतु अब ये ध्वज क्रीड़ा स्थल पर ही नहीं झांसी पर भी लहराएगा। महारानी लक्ष्मी बाई, तुम मरने जा रही हो। रघुराज जी, जी तात्या जी,
हमें ओरछा महल के पिछले हिस्से से पहले कारागार की ओर जाना चाहिए। जी तात्या जी। सैनिकों मेरे साथ आओ। संकट मोचन हमारी रक्षा कर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस दीउ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी। बता महारानी लक्ष्मीबाई को कहां छुपा के रखा है? बताओ बता अन्यथा। अवश्य गहरा रहस्य है तात्या जी। लड़ाई सरकार युद्ध की तैयारी कर रही थी लेकिन उसकी सेना कहां? यहां तो बहुत कम सैनिक है। आर्मी ओरछा की आर्मी तो दूर तक चली गई ताकि तुम सब इस सेल में आसानी से आ सके और तुम सब हमारे बिछाए ट्रैप में फंस गए। वेलकम मिनिस्टर्स। सेनापति जी बचा लीजिए। सेनापति जी हम झांसी के नागरिक हैं। हमें यहाँ ओरछा में जबरदस्ती कैद कर रखा है। ठीक है ठीक है। आप सबको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आप ही लोगों को छुड़ाने आए हैं। सैनिको जाओ बाकी कैदियों को आजाद करो जल्दी। वेरी गुड। हम लोग यही सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर और कमांडर ऑफ झांसी ने ओरछा पर कब्जा कर लिया है तो लड़ाई सरकार भी यही सोचेगी। फिर क्या होगा?